वेलकम माई डियर स्टूडेंट्स, अज आप एक्सरसाइज 4.4 दे सवाल कर जा रहे हैं। बेटा जी क्वेश्चन ध्यान न समझने ने, ठीक है, कापियां पूरी कर लेने ने, चैनल सबसक्राइब जरूर कर देना जिन्हें बच्चे ने अज तक नहीं किया, तो नैक्सट वीडियोज़ ने मिलदिया रहन। देखो बेटा, फस्ट क्वेश्चन है अपने को, इफ 7 इज एड टू 5 टाइम्स ए नंबर, जेकर एक संख्या के 5 गुणा विच, ठीक है, 7 जोड़न ते द रिजल्ट इज 57 57 प्राप्त हुंदा है, फाइंड द नंबर, संख्या पता करो। ठीक है बेटा, आप नंबर फाइंड आउट करना, आप जो चीज़ कढ़नी आ उनू मन्नांगे लैट नंबर। ठीक है, लैट नंबर मन लो संख्या, पंजाबी च की लिखोगे बेटा जी, मन लो संख्या की मान लाँगे बेटा जी आप एक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न की शर्त अनुसार, ठीक है, जिमें प्रश्न अपन क्या हो कह रहे हैं, इफ 7 इज एड टू 5 टाइम्स ए नंबर, एक संख्या के 5 गुणा विच 7 जोड़न ते, संख्या एक्स आदा 5 गुणा कि बन जू, 5 गुणा एक्स 5x। ठीक है, उस किन्ने जोड़ने ने अपा ने 7, की प्राप्त हों 57। ठीक है बेटा, ये अपनी इक्वेशन बन गई। हूँ देखो 5x प्लस दे 7 इधर आके की बन गया अपने को माइनस दे 7। ठीक है, 5x आ गया अपने को, 57 तो 7 गए किन्ने आ गए अपने को 50, एक्स की वैल्यू किन्नी आ गई अपने को बेटा 50/5, ये कट गया कि आ गया 10। ठीक है, यदा मतलब बेटा जी अपने को नंबर मतलब संख्या, पंजाबी च की लिखोगे संख्या, कि आ गया अपने को आंसर बेटा जी 10। ठीक है, नैक्सट देखो, एक संख्या के 4 गुणा विच्चों 9 घटाउण ते 43 प्राप्त हुंदा है, संख्या पता करो, 9 डिक्रीज्ड फ्रॉम 4 टाइम्स ए नंबर यील्ड 43, फाइंड द नंबर। ये भी देखो बेटा इदी करांगे, लैट नंबर अपन नंबर मान लाँगे, मन लो संख्या, पंजाबी च की लिखांगे मन लो संख्या। ठीक है, किन्नी मान लाँगे अपन एक्स, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न की शर्त अनुसार, संख्या के 4 गुणा विच्चों 9 घटाउण ते 9 डिक्रीज्ड फ्रॉम 4 टाइम्स ए नंबर, तो 4 गुणा किन्ना बन गया 4x, 9 घटाउण ते माइनस दे 9, ठीक है, किन्ना प्राप्त हो गया अपने कोल 43। ठीक है बेटा, 4x किन्ना आ गया अपने कोल 43, माइनस दे 9 इधर आके प्लस दे 9 बन गए। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू किन्नी आ गई बेटा जी, इन्हें दोनों की करांगे अपा प्लस, किन्ना बन गया 52, तो एक्स की वैल्यू किन्नी आ गई अपने को 52/4, 4 गुणा सी बटियां च लै गया, इनू डिवाइड कर दो बेटा जी, जब कटिंग कर दो तो अपने को एक्स की वैल्यू किन्नी आ गई 13। ठीक है बेटा, अपने को जिहड़ी संख्या सी नंबर आ, नंबर मीन संख्या किन्नी आ गई अपने को 30। ठीक है बेटा, नैक्सट देखो, थर्ड क्वेश्चन है अपने को, इफ 1/5 ऑफ ए नंबर -4 गिवस 3, फाइंड द नंबर, एक संख्या के 1/5 हिस्से 4 घटाउण ते 3 प्राप्त हुंदा है, संख्या पता करो। ठीक है, ये भी संख्या कढ़नी है, मान लाँगे लैट नंबर, पंजाबी च की लिखोगे बेटा जी, मन लो संख्या, मन लो संख्या किन्नी मान लाँगे अपां एक्स। ठीक है, हुण देखो 1/5 ऑफ ए नंबर, एक संख्या के 1/5 हिस्सा, 1/5 मतलब कि 1/5 हिस्सा, 1/5 कि एक्स का। ठीक है, इफ 1/5 ऑफ ए नंबर -4, ठीक है, उस 4 घटाउण ते माइनस दे 4 गिवज 3, मतलब 3 प्राप्त हुंदा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिमें कि अपन रकम दे विच क्या गया है। ठीक है, हुण देखो बेटा 1 × x, एक्स ही बन गया x/5, -4 इधर आके राइट साइड ते +4 बन गए, तो x/5 3+4 किन्ना बन गया 7, एक्स की वैल्यू किन्नी आ गई 7 × 5, मतलब 35। ठीक है बेटा, यदा मतलब अपने को नंबर आ जड़ा संख्या किन्नी आ गई अपने को बेटा जी 35। ठीक है, नैक्सट देखो बेटा, नैक्सट क्वेश्चन, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ गर्ल्स
इज टू फिफ्थ द नंबर ऑफ बॉयज। 35 विद्यार्थियों की वाली एक जमात विच लड़कियां की संख्या लड़कियां की संख्या का 2/5 है। 2/5 मतलब 2/5 है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल, जमात विच लड़कियां की संख्या अपने पता करनी है। देखो बेटा, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2/5 द नंबर ऑफ बॉयज। कुड़ियां की संख्या मुंडियां की संख्या का 2/5 हिस्सा है, ठीक है। मुंडे की संख्या का आया तो अपन की मनना पेगा नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज़ ना कंपैरिजन किया होया। लैट नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, पंजाबी की लिखांगे मन लो लड़कियां दी संख्या, मन लो लड़कियां दी संख्या किन्नी मान लांगे बेटा जी अपा एक्स, ठीक है। फिर नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब कुड़ियां दी संख्या, जां लड़कियां भी लिख सकते हो, ठीक है, दी संख्या जां लड़कियां दी संख्या किन्नी आ गई अपने को बेटा जी, उन्हों की कर लिखांगे अपा किन्नी आ 2/5। 2/5 मतलब कि 2/5 किदा मुंडियां दी संख्या दा, मुंडियां दी संख्या किन्नी अपने को एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न की शर्त अनुसार टोटल किन्ने बच्चे ने अपने को 35, मतलब एक्स प्लस 2/5x इज इक्वल टू 35, ठीक है बेटा। हुण देखो ते बटरफ्लाई मैथड ला लो, बाय वन, फाइव नू वन ना किता फाइव, फाइव नू एक्स ना किता बेटा जी 5x प्लस 2x किन्ना आ गया अपने को 35, ठीक है। फाइव ते टू किन्ने बन गए 7x बाय 5 इज इक्वल टू 35। तो अपने को एक्स की वैल्यू कि आऊ बेटा, पहला 5 ने इधर गुना करांगे 35 into 5, ठीक है। एक्स कि आ गया 35 into 5 डिवाइड बाय 7, 7 5 is 35। एक्स की वैल्यू कि आ गई अपने को 5 into 5 कि बन गया 25, ठीक है बेटा। हूँ देखो एक्स आप मनिया से नंबर ऑफ बॉयज़, यदा मतलब बॉयज़ ने लड़के किन्ने आ गए अपने को 25, ठीक है। लड़कियां मतलब गर्ल्स किन्नी आ गई अपने को, ओ किन्ने मैंने से 2/5 ऑफ एक्स, मतलब 2/5 गुना एक्स, एक्स किन्नी से अपने को 25, 5 5 is 25, 5 नू 2 ना किता बेटा जी 10, ठीक है। 10 अपने को की आ गई लड़कियां, तुसी इदां भी कट सकते हो, जां टोटल स्टूडेंट किन्ने से अपने को 35, ठीक है। 35 दे विचों 25 माइनस करके भी तुसी सीधा कट सकते हो, क्योंकि 25 लड़के आ गए, 35 टोटल गिनती है, तो 10 की आ गई अपने कोल लड़कियां, ठीक है, तुसी इदां भी कट सकते हो। नैक्सट देखो बेटा, नैक्सट है अपने कोल शाम्स फादर्स एज इज 5 years मोर दैन 3 times शाम एज। फाइंड द शाम एज इफ हीज फादर इज 44 years ओल्ड। शाम दे पिता की उम्र, शाम की उम्र के 3 गुना तो 5 साल वध है, लिखा है ना, शाम्स फादर एज इज 5 years मोर दैन 3 times शाम्स एज, ठीक है। शाम की उम्र के 3 गुना विचों नालों 5 वध है। फाइंड शाम ए, शाम की एज कढ़नी अपने, इफ हीज फादर एज इज 44 years ओल्ड, जेकर पिता की उम्र कि हो 44 साल। देखो बेटा आप मान लाँगे लैट एज ऑफ, क्योंकि पिता की उम्र वादा शाम ना कंपैरिजन किया होया, किधरी मन्नांगे अपा शाम, लैट एज ऑफ शाम किन्नी मान ली अपा ने एक्स ईयर्स, मन लो शाम दी उम्र किन्नी मान ली बेटा जी अपा एक्स साल। उस तो बाद देखो हुण शाम फादर एज किन्नी आऊगी, फादर्स एज शाम दे पिता दी उम्र, शाम दे पिता दी उम्र किन्नी होगी बेटा अपने कोल, किन्नी आ 5 more than 3 times 3 गुना नालों 5 वध है, 3 गुना 3x बन गए प्लस 5, ठीक है। उस तो बाद देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शाम दी उम्र बेटा किन्नी आ 3x plus 5, अपन किन्नी दित्ती हुई है 44 साल, ठीक है। यदा मतलब 3x plus 5 कि बराबर आ गया अपने को 44 दे, ठीक है बेटा।
ਤਾਂ 3x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 44 5 ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮਾਈਨਸ ਠੀਕ ਹੈ 3x ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 44 ਚ ਬੇਟਾ 5 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 39 ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 39/3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 13 x ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 13 ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਉਮਰ ਕੱਢਣੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ x ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮਸ ਏਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋਗੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 13 ਈਅਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਸ਼ਚਨ 6th ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਇਨ ਐਨ ਆਈਸੋਸੈਲਸ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਦਾ ਬੇਸ ਐਂਗਲਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਦਾ ਵਰਟੈਕਸ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ 40 ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਬੇਸ ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਇੱਕ ਸਮਦਭੁਜ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਸਿਖਰ ਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 40 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਧਾਰ ਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਏ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਟੈਕਸ ਐਂਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਖਰ ਕੋਣ ਆ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਬੇਸ ਐਂਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ ਆਈਸੋਸੈਲਸ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਆ ਸਮਦਭੁਜ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਆ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਲੈਟ ਬੇਸ ਐਂਗਲਸ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਧਾਰ ਕੋਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮੰਨ ਲਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ਡਿਗਰੀ ਦੋਨੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬੀ ਆ ਅਤੇ ਕੋਣ ਸੀ ਆ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਟੈਕਸ ਐਂਗਲ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ 40 ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਏ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਗਲ ਏ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 40 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟਾ ਬਾਏ ਐਂਗਲ ਸਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਾਏ ਐਂਗਲ ਸਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਿਕੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਿਓ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਿੰਨੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਗਲ ਏ ਪਲੱਸ ਐਂਗਲ ਬੀ ਪਲੱਸ ਐਂਗਲ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 180 ਦੇ ਏ ਕਿੰਨਾ 40 ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 180 40 ਐਕਸ ਅਤੇ ਐਕਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 2x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 180 ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 180 40 ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 2x ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 140 ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੇ ਬੇਟਾ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 140/2 70 ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਸ 70 ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੇ ਸੀਗੇ ਬੇਸ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 70 ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਆਧਾਰ ਕੋਣ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਰਫਾਨ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਹੀ ਹੈ 7 ਮਾਰਬਲਸ ਮੋਰ ਦੈਨ 5 ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਮਾਰਬਲ ਪਰਮੀਤ ਹੈਜ਼ ਇਰਫਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੀਤ ਦੇ ਬੰਟਿਆਂ ਦੇ 5 ਗੁਣਾ ਨਾਲੋਂ 7 ਬੰਟੇ ਕੀ ਨੇ ਵੱਧ ਨੇ ਇਰਫਾਨ ਹੈਜ਼ 37 ਮਾਰਬਲ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 37 ਬੰਟੇ ਨੇ ਹਾਓ ਮੈਨੀ ਮਾਰਬਲਸ ਪਰਮੀਤ ਹੈ ਪਰਮੀਤ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਟੇ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਲੈਟ ਇਰਫਾਨ ਹੈਜ਼ ਮਾਰਬਲਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਰਫਾਨ ਦੇ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੀਤ ਦੇ ਸੋਚੋ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਰਫਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਪਰਮੀਤ ਨਾਲੋਂ 7 ਬੰਟੇ ਉਹਦੇ 5 ਗੁਣਾ ਨਾਲੋਂ 7 ਬੰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੀਤ ਦੇ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਲੈਟ ਪਰਮੀਤ ਹੈਜ਼ ਮਾਰਬਲਸ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋਗੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਰਮੀਤ ਕੋਲ ਬੰਟੇ ਹਨ ਕਿੰਨੇ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਤਾਂ ਇਰਫਾਨ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ 5 ਟਾਈਮਸ ਮਤਲਬ ਕਿ 5x 5 ਗੁਣਾ ਨਾਲੋਂ 7 ਵੱਧ ਨੇ ਪਲੱਸ 7 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪਰਮੀਤ ਕੋਲ ਇਰਫਾਨ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 37 ਇਹ ਵੀ ਇਰਫਾਨ ਦੇ ਬੰਟੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5x ਪਲੱਸ 7 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੂਗਾ 37 ਦੇ 5x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 37 ਇਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਹੋ ਗਏ 5x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 30
ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 30/5, एक्स कितने आ गए अपने को 6। हुण आपां किहदे बंडे कढ़ने सीगे, परमीत दे, परमीत दे कितने मन्ने ने आपां ने एक्स, ठीक है। इहदा मतलब परमीत हैव नंबर ऑफ मार्बल्स, परमीत कोल बंटियां दी संख्या, पंजाबी लिखांगे परमीत कोल बंटियां दी संख्या किन्नी है बेटा अपने कोल 6। नैक्सट देखो बेटा द लेंथ ऑफ रैक्टेंगल, कोई रैक्टेंगल हाँ, नैक्सट है बेटा जी अपने कोल 8, द लेंथ ऑफ रैक्टेंगल इज 3 यूनिट्स मोर दैन इट्स ब्रैथ, आई की लंबाई उसकी चौड़ाई नालों 3 इकाइयां वध है, द पैरीमीटर इज 22 यूनिट्स, जिहड़ा परिमाप ओह 22 इकाइयां है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रैथ, लेंथ ते ब्रैथ बेटा आपां कैलकुलेट करनी है, लंबाई ते चौड़ाई। देखो बेटा पिक आई रैक्टेंगल ड्रा कर ली, ठीक है, उन्हें क्या ना लेंथ ऑफ रैक्टेंगल इज 3 यूनिट्स मोर दैन इट्स ब्रैथ, लेंथ आ लंबाई आ चौड़ाई नालों 3 वध है, आप चौड़ाई एक्स मान ली, लेंथ कितनी बन गई अपने कोल एक्स प्लस 3, क्योंकि रैक्टेंगल आ सारे साइड्स इस आमो सामने वाले साइड्स की होंगे एक कोल, ए भी एक्स है, ए भी एक्स हो जाओ बेटा, ए एक्स प्लस 3 है तो आ भी कितनी बन जाओ एक्स प्लस 3, ठीक है। अपने परमाप दिता होया पैरीमीटर कितना अपने कोल 22, आप मान लाँगे लैट ब्रैथ ऑफ रैक्टेंगल एक्स ले ली आई दी चौड़ाई, ठीक है, लेंथ ऑफ रैक्टेंगल कितनी बन जाऊ अपने को 3 वध तो एक्स प्लस 3 आ गई बेटा। हुण देखो पैरीमीटर परिमाप कितना दिता होया आपां नूं 22, ठीक है, परिमाप की हुंदा सारे साइडां दा जोड़, हुण आपां ने जोड़ लिया एक्स, देखो एक्स एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 ते एक्स किहदे बराबर आ गया 22 दे, एक्स 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 ते एक्स किन्ने बन गए 4x, 4x प्लस 6 किहदे बराबर आ जाऊ बेटा अपने कोल 22 दे, ठीक है। इहदा मतलब अपने कोल 4x दी वैल्यू किन्नी आ गई 22-6, ठीक है, तो बेटा 4x बन गया अपने कोल, 4x आ गया अपने कोल बेटा जी। देखो इधर सीगा अपने कोल 26-6 किन्ना आ गया अपने कोल 16, तो एक्स की वैल्यू किन्नी आ गई अपने कोल 16/4, 4 4 16, तो एक्स किन्ना आ गया अपने कोल 4, ठीक है। इहदा मतलब लेंथ किन्नी बन गई सी ते ब्रैथ किन्नी बन गई, ब्रैथ आपां एक्स मन्नी आ, एक्स किन्नी आ गई 4, ठीक है, ते लेंथ किन्नी बन गई अपने कोल 3 वध बेटा एक्स प्लस 3, 4+3 किन्नी बन गई अपने कोल 7 यूनिट्स, ठीक है बेटा, एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी आ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।